بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم مباركة إنا كنا منذرين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا जब तक मेरे बदन में मेरी जान रहे या इलाही जब तक मेरे बदन में मेरी जान रहे दुआ है कि मेरे लब पे तेरा कुरान रहे और मेरी ये तमन्ना है तुझ पे सदके तेरे महबूब
पे कुर्बान रहे। हर किस्म दी हमदो सना तारीफां बढ़ाइयां किबरियाइयां अल्लाह मालिकुल आलाम ज़ुलजलाले वल इकराम दी ज़ाते मुकद्दस वास्ते जेड़ी ज़ात तमाम जहाना दी खालक भी है, मालक भी है, राजक भी है, परवरदिगार भी है, पालनहार भी है, दुआवां दे सुनन वाला, बीमारां नूं शफा देन वाला, बे औलादा नूं औलादा देन वाला, मौतो हयात दा मालक, नफे और नुकसान दा मालक, अल्लाह जल्ला शानहू दी ज़ाते मुकद्दस दुरुदो सलाम बेहदो हिसाब अनगिनत औलाद आदाद इमामुल अंबिया खैरुल वरा शम्सुज़्ज़ुहा वालिये बतहा इमाम आज़म रसूल मुकर्रम नबी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी वास्ते जेड़ी ज़ात अल्लाह ने तमाम नबियां दा इमाम बना के और सारे जहाना वास्ते नबी बना के और तमाम जहाना वास्ते रहमत बना के दुनिया ते मबूस फरमाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों साथियों एहतरामा दे लायक मेरी मुअज्जिज़ात मुकर्रिमात रूहानी इस्लामी पर्दा नशी माओ और बहनों अल्लाह सुबहानहु व तआला दा एक बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने सानू तंदुरुस्ती अता फरमाई और फिर अपने घर जुमातुल मुबारक दा खुतबा सुनन वास्ते अल्लाह ने अपने घर दे अंदर जमा फरमाया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों जिस मौजू ते मैं तुसा अहबाब दे सामने कुछ गुजारशात रखन दा इरादा रखना वा वो मौजू है माहे शुबान और एदे अंदर करन वाले मसनून आमाल। मेरे भाइयों ये अल्लाह दा अपने बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह हर महीने दे अंदर महीने दे फिर हफ्तियां दे अंदर हफ्तों के अंदर फिर दिनों के अंदर और दिनों के अंदर फिर कुछ घड़ियाँ अल्लाह ने सानू अता फरमाइया कि तुसी एदे अंदर मेरे नाल राबता करो मेरे नाल कनैक्ट करो मेरे नाल ताल्लक मजबूत करो मैं इस दे बदले तुहाड़ियां कमियां कुताइयां गुनाह मुआफ़ कर दिया। ये बहुत बड़ी अपने वास्ते सआदत है और इस तरह ही महीनों के विचों माहे रमज़ान तो बाद जिस महीने के अंदर तेरे ते मेरे महबूब पैगंबर तसलसल दे नार रोज़े रखते बहुत ज़्यादा रोज़े रखते वो केड़ा बरकत वाला महीना है केड़ा अजमत वाला महीना है कि रमज़ान तो बाद जिदे अंदर तेरे ते मेरे महबूब पैगंबर बहुत ज़्यादा रोज़े रखिया कर दे ओ महीना माहे शुबानुल मुआज़म दा महीना जिदी आज तीन तरीक और ये सानू खुशखबरी सुनांदा है जदों माहे शुबान दा चन्न नज़र आ जांदा ना
फिर मोमना दे अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। मोमन कहते हैं जी शुबान आ गया हुण उतला चन्न जिहड़ा है वह रमज़ान दा। जिन्हां ने अल्लाह नाल मुहब्बत की प्यार किया अल्लाह नाल अपने ताल्लुक नूं मजबूत किया उन्हां वास्ते रहमत दा पैगाम है। मेरे भाईओ माहे शुबान की बड़ी असमत है। इहदे अंदर मेरे आका सलात व सलाम तो कुछ रवायतां मिलदियां ने जिन्हां नूं मुहद्दिसीन ने कुछ ज़ईफ रवायतां ने और कुछ मुरसल रवायतां ने। इमाम बहकी वो अपनी किताब दे अंदर एक हदीस नकल फरमाते हैं। हदीस बड़ी तवील है वो माहे शुबान दे मुतल्लक है। तेरी और मेरी रूहानी माँ मोमना दी माँ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم। अल्लाह फरमाते ने महबूबा जेड़ियां तेरियां अजवाज ने ना ए मोमना दियां मावां ने। मोमना दियां मावां ने उन्हां मावां दे विचों एक मां है सदीका ए कायनात सैयदा आयशा ताहिरा मुतहरा मुनज़्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये रवायत फरमादियां ने फरमाया एक रात मेरे सोने महबूब पैगंबर मेरे हुजरे दे अंदर तशरीफ फरमा। रात दा वक्त मेरे आका सो रहे सी मैं अचानक उठिया मैं देखिया मेरे आका सजदे दे अंदर ने। ओ लोगो रात नू मैं ते तू आराम करने आ अपनिया बिस्तरियां ते सारी रात सौ के गुजार दे ये तेरे ते मेरे महबूब पैगंबर रातां नू उठ के उम्मत वास्ते दुआवां करदे ने। किन्ना रहीम ते करीम ते रऊफ रहीम अल्लाह ने नबी सानू अता फरमाया। अम्मा जी फरमा दियां ने मैं रात नूं उठिया मैं देखिया मेरे सोने महबूब मेरे सरताज ओ मैनू दिखाई ना दिते जदों मैं देखिया है ते मेरे आका मेरे ही हुजरे दे अंदर सजदा कर रहे ने और सजदा भी बड़ा तवील फरमाया बड़ा लंबा सजदा किया मेरे आका ने। अम्मा जी फरमा दिया ने हत्ता सनंतु अन्नहु कद कुबिज़ा मैं बड़ा इंतजार किया हुन मेरे सरताज सर चुकते ने हुन सजदा मुकम्मल करते ने बड़ा इंतजार किया हत्ता के मेरे दिल के अंदर गुमान आना शुरू हो गया हत्ता ज़नन्तु अन्नहु कद कुबिज़ा मैं परेशान हो गए कि किते मेरा सरताज दे कद कुबिज़ा किते रूप परवास ही ना कर गई होए इतना लंबा सजदा। असी सजदा स्पीटा दे अंदर कर लेने लज्जत नहीं हासिल करते ना अल्लाह दे नाल मुलाकात दी लज्जत। अल्लाह दे सामने कयाम अंदर है रुकू दे अंदर है या सजदे दे अंदर है। मेरे आका सजदे दे अंदर ने अम्मा जी फरमा दिया ने मैं पैर दा अंगूठा मुबारक
मेरे आका दे पैर दे अंगूठे नू मैं पकड़ के हरकत दिती है। मेरे आका ने अपने अंगूठे नू हिलाया, मैं तसल्ली दे अंदर हो गई। मैं देखिया, मैं समझिया मेरे महबूब पैगंबर इस सजदे दी हालत अंदर ने, और मैं देखिया मेरे ते तेरे महबूब पैगंबर सजदे दे अंदर दुआवां की मंग रहे ने। दुआवां खुदा दी कसमें, मेरे ते तेरे आका किनियां प्यारियां प्यारियां दुआवां सजदे दे अंदर मंग रहे ने। मेरे आका फरमा देने, आऊज़ु बिअफ़विका मिन इक़ाबिका। ओ मेरे अर्शां वालिया रब्बा, जमीनो आसमान दे मालका, मैनू सारी कायनात दा इमाम बनान वालिया रब्बा, मैनू नबियां दा इमाम बनान वालिया, मैनू खत्मे नबूवत दा ताज अता करन वालिया मालका, मैं तेरी पनाह मंगना वा तेरी दरगुजरी दे नाल, तेरे मुआफी दे नाल, मिन इकाबिका तेरी सख्ती तो। मेरे आका दुआवां मंग रहे ने, फरमाया बड़ियां प्यारियां प्यारियां दुआवां कर रहे ने, और फरमाया वा आऊज़ु बिरज़ाका मिन सख़तिका। अल्लाह सोनिया, मैं पनावा तेरिया मंगना वा, मैं तेरिया पनावा चाहना वा, तेरी रसा दे नाल, तेरी खुशनुदी दे नाल, तेरे गुस्से तो। मेरे आका दुआवां मंगते जा रहे ने, जदों मेरे आका दुआवां मुकम्मल कर लेंदे ने, फलम्मा रफ़ा रसहु मिन सुजूदे, मेरे आका ने सर सजदे दे विच उठाया, वा फरग मिन सलाती, और अपनी नमाज तो फारग होए ने। मेरे आका फरमा देने, काला या आयशा तो, मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरी आयशा, या मेरे आका ने फरमाया या हुमैरा। किन्ना मेरे आका नू प्यार दे, किन्ने प्यारे नामां दे नाल बुला रहे ने, ऐ मेरी आशा ऐ मेरी हुमैरा। आसनंति अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद खान बिके, फरमाया मेरे सोने ऐ मेरी आशा सुन ले, मैं अज जेड़ी रात इबादत प्या करना, अतदरीन अयुलैला, क्या तेनू पता है ए रात केड़ी बरकत वाली रात है। अतदरीन, क्या ऐशा तू जाननी है, अयुलैला दिन रात केड़ी है बरकतां वाली। अम्मा जी फरमा दिया ने, कुल तो अल्लाहु व रसूलुहु आलम, इस रात के बारे मेरा अल्लाह ही जानदा है, या मेरा सोना नबी जानदा है, ये रात केड़ी असमत वाली है। मेरे आका फरमा देने, ऐशा काला हादिहे लैलतुन निस्वी मिन शाबान, ए शुबान दी पंद्रवी रात है, ए शुबान दे निसब वाली यानी पंद्रवी रात है। इस रात मेरा अल्लाह आसमाना तो आवाज़ा देंदा, फयग़फिरु लिल मुस्तग़फिरीन, अल्लाह उन्हां दे गुनाहां नूं मुआफ़ कर देंदा, जेड़ा अल्लाह दे दरबार दे अंदर आके गुनाहां दियां मुआफ़ियां मंगदा है। और फरमाया वयरहमु लिल मुस्तरहमीना, अल्लाह उन्हां ते रहम फरमा छड़दा, जेड़ा अल्लाह कोलो रहम दियां उपीलां करदा, मगर अल्लाह उन्हां नूं मुआफ नहीं करता जेड़े अपने सीनियां दे अंदरों हसद ते बुगस नूं कढ़दे नहीं ने।
वायुअखिरु अहलुल हिकदी कमाहुम। अल्लाह उन्होंने मुअख्खर कर देता है, छड़ देता है। अल्लाह ना उन्होंने गुनाह माफ़ करता है, ना अल्लाह उन्होंने रहम करता है जेड़े अपने सीनियां दे अंदर हसद बुगज कीना इन्हें तो अपने सीने ते दिल नू पाक नहीं करते। मेरे भाइयों, बड़ी असमत वाला महीना है ये माहे शुबान। ये अंदर तुसी अंदाजा करो मेरे ते तेरे महबूब पैगंबर ने केड़े अमाल किए ने। इन्हें अंदर सानू सही रवायतों तो जो साबित होंदा है, ये जिहड़ी मैं तुहाडे सामने हदीस पढ़ी है मुरसल हदीस है। मुरसल मुरसलों कहिंदे ने कि जिदा नबी दे नाल मुलाकात साबित ना होए और ऐसा बंदा हदीस बयान करे उन्हों आंदे ने मुरसल। ये भी ज़ईफ हदीसा विचों एक ज़ईफ हदीस है, मगर मुख्तलफ ज़ईफ हदीसा का आ जाना साबित करता है कि माहे शुबान की बड़ी फजीलत। हुण नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां सही हदीसा जिंदे अंदर शक कोई नहीं, जिंदे अंदर ज़ोफ कोई नहीं, जिस हदीसा के अंदर कमजोरी कोई नहीं, वह हदीसा समात फरमाओ। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, ये भी मोमना दियां मावां विचों एक माँ है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमांदियां ने मार आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम शहरैन मुततबिअइन इल्ला शाबान व रमजान। मैं अपने सरताज नूं दो महीनों के अंदर जिमें तसलसल दे नाल रोज़े रखदियां वेख्या, जिमें मेरे नबी ने दो महीनों के अंदर रोज़े रखे ने, इवें किस होर महीने के अंदर आका ने रोज़े नहीं रखे ने। फरमाया वो दो महीने एक रमज़ान का महीना एक शुबान का महीना। आ है सुन्नत वाले काम। ये अंदर बंदा रोज़े रखे, ये क्यों रोज़े मेरे आका ने ज़्यादा रखे? ताकि सही तैयारी हो जाए, माहे रमज़ान की सही तैयारी हो जाए। मैं तुहानू दुनियावी मिसाल देना, जो किसी पलवान ने मैदान अंदर उतरना होवे ना, वो पहले ट्राइयां करता है। जे क्रिकट वाले ने तो पहले क्रिकट की ट्राई करता है, बाल कराने वाला पहले बाल कराता है, ट्राइया करता है, प्रैक्टिस करता है कि मैं फिर सही जेड़ा ना जदों इम्तिहान के अंदर होवां तो पूरा 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 उतरा। तो माहे रमज़ान तो पहले जेड़ा बंदा शुबान च रोज़े रखता है, साढ़े मुसलमान का बड़ा सारे नहीं कई मुसलमान इस तरह आते हैं माहे रमज़ान आ जाए तो उन्होंने वास्ते परेशानी बन जाती है जी। हुण रोटी खाण की परेशानी, वो कमले नूं पता ही नहीं है ये महीना वो अजमतां वाला है। रब जन्नत के दरवाजे खोल देंदा, दोजख के दरवाजे बंद कर देंदा, शैताना नूं अल्लाह जकड़ देंदा है कि मेरे ते मेरे बंदियां दे दरमियान हुण सुलह जदों होनी है तो कोई शहर रुकावट ना बने। तो बंदा इस चीज़ को समझे, लो जी माहे रमज़ान बड़िया बरकतों वाला महीना है। ये इंशाल्लाह माहे रमज़ान के अंदर ही बयान होएगा और हर जुमे के अंदर इंशाल्लाह इन फजीलत दसा दे। आज मेरा मजमून है माहे शुबान के अंदर करन वाले काम मसनून आमाल। मेरे आका दे हदीस तिरमिदी शरीफ के अंदर इमाम तिरमिदी रहमतुल्लाह अलैह ने सही हदीसा के अंदर जिक्र फरमाया है, तेरे ते मेरे महबूब पैगंबर जेड़े कायनात दे सरदार पैगंबर ने, कायनात दे सब तो आला पैगंबर ने, कायनात दे तमाम नबियां दे इमाम नबी ने, मेरे आका दुनिया ते आए ने सारे नबियां दे इमाम बन के आए ने। बड़ी असमत वाले पैगंबर
और दूसरी हदीस अम्मा जी ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा दिया ने कि उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला नो बयान कर देने रिवायत कर देने के आ करके मेरे सोने पैगंबर दे कोल अर्ज की थी। अम्मा जी ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछ दिया ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम अरा का तसूमु फी मिन शहरि मिन अशहूरि मा तसूमु आका जिन्ने तुसी रोजे माहे शुबान अंदर रख दे जे इन्ने रोजे किसी होर महीने दे अंदर नहीं रखते सवाए रमजान तो ये रोजे रखन दा ये रोजे रखन दे इरादे की ने सवाब किए। मेरे आका ने जो जवाब दिता है खुदा दी कसम उठा के कहना वा अगर मेरे आका दे जवाब नू मैं दे तू पल्ले बन लिए और उस दे अमल करिए ते फिर तेरी मेरी बख्शिश वास्ते इन्ना ही काफ़ी है। अगर आका दी बात मेरे ते तेरे महबूब पैगंबर दी बात और फिर ये हदीस है मेरे आका दी प्यारी हदीस है मेरे आका ने बयान फरमाया आज अगर मेरे आका दी बात नू पल्ले बन लिए क्योंकि मेरे दोस्तों लोगों दियां बातां मेरी बात गलत हो सकती है तेरी बात गलत हो सकती है इमाम दी बात गलत हो सकती है आलम दी बात गलत हो सकती है पर सारे नबियां दे इमाम दी बात गलत नहीं हो सकती। बड़े तो बड़े दी बात गलत हो सकती ना कुरान अंदर कोई गलती ना तेरे ते मेरे महबूब पैगंबर दे फरमान अंदर कोई गलती। किस वजह तो अल्लाह ने फरमाया वन नजम इदा हवा मा दल्ला साहिबकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा। मेरे महबूबा तुहाडा बोलना तुहाडा बोलना इवें जिवें मेरा बोलना है जबान तुहाडी ते कलाम मेरी। इस वास्ते मेरे आका दी प्यारी जबान जैसी मिठी जबान कोई नहीं किसे ते मेरे आका दे बोल भी सब तो मिठे मेरे आका दी जबान जिमें मिठी है उमें मेरे आका दे बोल मिठे ने बोल भी मिठे। ओयो दे एकी अकलड़ी जान सी ओयोदे एकी अकलड़ी जान सी ओदा दुश्मन सारा जहान सी पर सच्ची गल ते मिठी जबान सी ताइयों सारे जागे उते छा गया। मेरे आका दी प्यारी जबान दे बारे बात आई है ते क्यों ना करदा जावा ओए मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल मेरे मक्की दे मिठे मिठे बोल मेरे सोने दे मिठे मिठे बोल मेरे आका दे मिठे मिठे बोल देंदे कन्ना विच रसनुए खोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल आका दियां कदमां ते चलना जरूरी बात है तवज्जो करना आका दियां कदमां ते चलना जरूरी है तू मन या ना मन मेरी एहो मजबूरी है। मेरे ते तेरे सोने महबूब पैगंबर दी बात दा जिक्र हो रहा है ओए आका दियां कदमां ते चलना जरूरी है तू मन या ना मन मेरी एहो मजबूरी है मैनू उम्मती दे दर ते ना रोल मैनू उम्मती दे दर ते ना रोल मेरे
मदनी दे मिठे मिठे बोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल देंदे कन्ना विच रसनू ए घोल। अगला जुमला सुनना मेरे अकीदे दी अकासी कर रहा है। फरमा देने सोना जदों बोले कुरआन बन जांदा है। कवो सुभान अल्लाह। ओए सोना जदों बोले कुरआन बन जांदा है जग लई दलील ते बुरहान बन जांदा है। जग लई दलील ते बुरहान बन जांदा है। जाके रब दे कुरान नू तू फोल जाके रब दे कुरान नू तू फोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल मेरे सोने दे मिठे मिठे बोल देंदे कन्ना विच रसनू ए घोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल। अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुहा। मेरा नबी बात करे मेरा अल्लाह फरमादा महबूबा जबान तेरी है ते कलाम मेरी है। ते इस वास्ते सुन्नत तरीका ते मसनून तरीका की है। मेरे प्यारे पैगंबर ने अरशाद फरमाया अम्मा जी पुछदियां ने मेरे सरताज तुसा इस महीने दे अंदर इन्ने रोजे क्यों रखदे जे। मेरे आका फरमाते ने नी मेरी उम्मे सलमा सुन क्यों रोजे ज्यादा रखना वा इस माहे शुबान अंदर अल्लाह अपने बंदियां दे अमाल चेक करदा है। बंदे दे अमल अल्लाह दे कोल पुछाए जांदे ने बंदा किस हालत दे अंदर है ए हेरियां फेरियां करदा है ए दगेबाजियां करदा है ए फराड करदा है हराम कमांदा है धोखा देंदा है। सारे अमल अल्लाह दे कोल पुछाए जांदे ने नमाजियां दिया नमाजा पुछाइया जांदियां ने बंदियां दिया रिपोर्टा अल्लाह दे कोल पहुंचदियां ने ए मेरे अल्लाह फलां तेरा बंदा नमाजा दी हालत अंदर है फलां तेरा बंदा रोजे दी हालत अंदर है फलां तेरा बंदा कुरान बड़ा पढ़दा है कुरान दिया तिलावतां बड़िया करदा है। मेरे आका फरमांदे ने मैं चाहना वा जदों मेरे अमल मेरे अल्लाह दे कोल जावन ते मैं रोजे दी हालत अंदर होवां। फरमाया मैं रोजे दी हालत अंदर हुआ ये मेरे आका फरमा रहे ने। और फरमाया वहुआ शहरुन तुरफाउ फीहिल आमाल के इंदे अंदर बंदे दे अमलां दी रिपोर्ट जांदी है। सरकारी मुलाजम होवे ना उन्हें पता चले भी हुकूमत दा डेलीगेशन आंदा पे टीम आंदी भी है। अगर उस्ताद ने टीचर ने सारा स्कूल जेड़ा ना सफाइयाँ कर करके बच्चियाँ दे सबक छड़ दिते पीरियड छड़ दिता घर की रोटी नाश्ता छड़ दिता सारे कम छड़ दिते कि ये जी उतां रिपोर्ट जानी है उतां रिपोर्ट जानी है ते मेरी नौकरी का मसला है। बीवी सारा कुछ पका के लै के खड़ी है करमा लिया खाधी जा ओ परां कर नाश्ता रोटी परां कर तेनू नहीं पता टीम आ रही है अज मैं टाइम ते पहुंचना देर हो रही है बच्चा बीमार है उन्हें भी छड़ता बीवी छड़ती खाना छड़ता क्योंकि मेरी रिपोर्ट उतना सही जानी चाहिए। नौकरी दे वास्ते इन्ना फिकर है ते सोने ते चांदी दे महला वाली जन्नत का कोई फिकर ही कोई नहीं भी साड़ी अल्लाह को रिपोर्ट जावे ते किवें दी जानी चाहिए। मेरे भाइयो तेरे ते मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह दिन रात के अंदर भी फरिश्ते आते होंगे रोजाना रिपोर्ट जाती रोजाना सुबह की जमात के टाइम तो फरिश्ते रात आले आसमान में चढ़ जाते हैं तो दिन आले फरिश्ते आ जाते हैं तो जो असर की नमाज होती है दिन आले फरिश्ते आसमान में चढ़ जाते हैं तो रात आले फरिश्ते आ जाते हैं जो रात आले फरिश्ते सुबह जाते हैं
बंदे नमाज अंदर होते ने ते जदों दिने आंदे ने उदों भी बंदे नमाज अंदर। अल्लाह पुछदा है, अल्लाह पुछदे ने ऐ मेरे फरिश्तों मेरे बंदे किस हालत अंदर ने। फरिश्ते कहंदे ने वजदनाहुम वहुम युसल्लून तरकनाहुम वहुम युसल्लून। हालांकि मेरे अल्लाह नू सारा पता है केड़ा नमाजी है केड़ा नमाज अंदर है केड़ा नींद अंदर है केड़ा बंदा तजारत अंदर है केड़ा बंदा कारोबार दे अंदर है दुकान ते मकान ते फैक्ट्री दे अंदर मिल दे अंदर इन्हें नमाज नू जाया कर छड़िया नमाज नहीं पढ़ता। मेरे अल्लाह नू सारा पता है पर अल्लाह फरिश्तिया नू गवाह बनांदा। अल्लाह फरमांदे ने दसो मेरे फरिश्तियो मेरे बंदे किस हालत अंदर से। फरिश्ते कहंदे ने अल्लाह असीं जदों गए हां फलां बंदा फलां बंदा फलां बंदा उन असी जदों पाया वजद ना हम उन जदों असी उन्दे कोल पहुंचे हाँ जदों उन्हों मुलाकात हुई है साड़ी ते नमाज अंदर सी अव तरक ना हम जदों असी छाड़ के आए हाँ अल्लाह उदों भी नमाज अंदर सी नमाज अंदर ही मुलाकात हुई है नमाज अंदर ही छाड़ के आए हाँ। मेरा अल्लाह फरमादा फरिश्तों गवाह बन जाओ। अल्लाह फरमादा फरिश्तियो गवाह बन जाओ जदों तुसी गए जे नमाज के अंदर सी जदों छड़ के आए जे नमाज के अंदर सी जाओ मेरे फरिश्तियो तुसी गवाह बन जाओ कयामत वाले दिन इन्ना ते मैं जन्नत नू वाजब कर छड़िया। कदी फिक्र होई है साड़ी रिपोर्ट आसमान दे जांदी है जेड़े करन वाले काम ने। मेरे ते तेरे महबूब पैगंबर दी प्यारी हदीस है जरा तवज्जो नाल सुनना मेरे दोस्तों। मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम फरमाते ने अतानी जिब्रील अलैहि सलातो वस्सलाम। एक दिन मेरा मेरे कोल जिब्रील आया। जिब्रील तो आंदा ही रहिंदा सी ना मगर एक दिन एक नवा पैगाम लैके आए अल्लाह दी तरफों पैगाम लैके आए। वो भी शुबान का महीना सी इस शुबान के महीने के अंदर ही मेरे आका फरमाते ने अतानी जिब्रील अलैहि सलाम फकाल हादिहि लैलतुन निस्फे शुअबान। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जी ये महीना शुबान दा ते रात पंद्रवीं महीना शुबान दा ते रात पंद्रवीं। फरमाया फकाल हादिहि लैलतुन निस्फे मिन शुअबान वलिल्लाहि फीहि उतकाहु मिनन नारी बादा बिआदा दे। फरमाया मेरे आका अल्लाह तुहाडी उम्मत विच इन्ने लोगों नू मुआफ कर छड़दा है जेड़ा बंदा अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह दे अगे आ करके अपने गुनाहों का एतराफ करता है आके कहंदा सोनिया रब्बा मैं जो गुनाह कर लेने मुआफ कर दे अल्लाह मैं गुनहगार हाँ अल्लाह तू बख्शन हार है अल्लाह मैं अदना तू आला मैं अदना तू आला मैं बंदा तू माबूद है अल्लाह मैं साजद तू मसजूद है मैं आबद तू माबूद है अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा परवरदिगार है अल्लाह तू मेरा मालिक है मैं तेरा गुलाम ए अल्लाह दे सामने आके सजदा सजदे दे अंदर सर रख के मेरे आका फरमांदे ने इस रात अल्लाह सारियां नूं मुआफ कर छड़दा पर चंद बदनसीबा नूं रब मुआफ नहीं करदा। वला यंसुरुल्लाहु फीहा माफ करना ते दूर दी बात है अल्लाह इन्ना बदबख्तां दी तरफ नजर भी नहीं करदा नजर भी नहीं करदा। जो बंदा बड़ा गुस्से दे अंदर होवे ना ते जिंदे तो नफरत होवे फिर बंदा उन्नू वेंदा भी गुस्सा तो आपदी जगह ते ना उन्दे अल्ले नज़र करके वेखना भी गवारा नहीं करता। मेरा अल्लाह ऐसे बदबख्ता नू वेखना भी गवारा नहीं करता। वो केड़े ने मेरे ते तेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया उन्हां विचों सब तो पहला बंदा है इला मुशरिकिन अल्लाह दी जात अंदर शिरक करन वाला अल्लाह दी सिफात अंदर शिरक करन वाला अल्लाह दी इबादत अंदर शिरक करन वाला ए ऐसा बदनसीब है कि एदे तरफ मेरा अल्लाह अपना चेहरा पाक करके वेखना भी नहीं चाहता। क्योंकि मुशरक
अल्लाह की तौहीद का इनकार ही होता है। वो कहता अल्लाह भी देंदा फलाना भी देंदा, अल्लाह भी सुनदा फलाना भी सुनदा, अल्लाह भी दाता फलाना भी दाता, अल्लाह भी गंज बख्श फलाना भी गंज बख्श, अल्लाह भी दस्तगीर फलाना भी दस्तगीर। तो कुरान की कहता है, कुरान कहता है कि अल्लाह दिया मसाला लैसा कमिसलिहि शै, अल्लाह दी जात जैसे कोई जात नहीं है, अल्लाह दी सिफात जैसे कोई सिफात नहीं है। जो मेरा अल्लाह वेख सकता उमें कोई वेख नहीं सकता, जिमें मेरा अल्लाह दे सकता उमें कोई दे नहीं सकता। अल्लाह बीमारा नू शफा देन वाला, और मेरे दोस्तों बीमारी सानू आ सकती है रब नू नहीं आ सकते, मौत सानू आ सकती है अल्लाह नू नहीं आ सकते। सत्ता आसमाना बिना थम्या दे खड़ा कर छड़े, ए थले दीवार कोई नहीं, पिलर कोई नहीं है, जमीन पानी दे उत्ते खड़ा कर छड़े, इनू कहते ने रब्बुल आलमीन। ये है मेरे अल्लाह की कुदरत, मेरे अल्लाह की कुदरत। मेरे भाइयो, अल्लाह की कुदरत सुनो तो अपने सीनिया के अंदर ठंड पावो। अल्लाह की कुदरत, मेरे अल्लाह मेरे दाता, मेरे अल्लाह मेरे दाता, जमाने सारे तेरे ने, ये सब कुछ मेरे अल्लाह दा। लिल्लाहि मुल्कु समावाती वल अर्ज, अल्लाह फरमाते ने जमीना भी साड़िया, आसमान भी साडे, सूरज भी साडा, चन्न ते सितारे भी साडे ने, इहदे अंदर कोई होर मेरे नाल शामिल नहीं है। इस वास्ते मैं कहना मेरे अल्लाह मेरे दाता, मेरे अल्लाह मेरे दाता, जमाने सारे तेरे ने, हमद तेरी सना तेरी, हमद तेरी सना तेरी, इतराने सारे तेरे ने। तू खालक कुल जहाना दा, तू मालक सब आसमाना दा, तू खालक कुल जहाना दा, तू मालक कुल आसमाना दा, जमीन वाले जमन वाले, जमीन वाले जमन वाले, खजाने सारे तेरे ने। मेरे अल्लाह मेरे दाता, मेरे अल्लाह मेरे दाता, जमाने सारे तेरे ने। कुरान का तर्जमा तवज्जो करना, रोजे ते नमाज़ां वे नजरां ते नियाज़ां वे, इबादत मेरी तेरे लई, इबादत मेरी तेरे लई, नजराने सारे, बोल दियो नजराने सारे तेरे ने। मेरे अल्लाह मेरे दाता, जमाने सारे तेरे ने। और अगली बात सुनना, शाह सारे गदा सारे, शाह सारे गदा सारे, ने तेरे दर्द मंगते ने, शाह सारे गदा सारे, ने तेरे तो फिदा सारे,
साडे जय लखा मंगते मेरे जय लखा मंगते साडे जय लखा मंगते मेरे मौला दीवाने सारे तेरे ने सारे मेरे अल्लाह मेरे मालिक मेरा मालिकुल मुल्क जमीन मेरे अल्लाह दी आसमान मेरे अल्लाह दा सारा जहान मेरे अल्लाह दा इस वास्ते मेरे प्यारे पैगंबर ने अरशाद फरमाया आका फरमाते ने ऐसे बदनसीब जिन्ना दी तरफ मेरा अल्लाह इस महीने दे अंदर भी नज़र रहमत नहीं करेगा उन्हां विचों सब तो बदनसीब सीब पहला वो बंदा है जेड़ा मेरे अल्लाह दे नाल शिरक करदा है जेड़ा अल्लाह दे नाल शिरक करेगा और मेरे आकल सलात व सलाम ने दूसरा वो बदनसीब बंदा कीना परवर हर वक्त सीने दे अंदर किसे मुसलमान भरा दे बारे बुराई सोचना या उन्दे कारोबार दे बारे सोचना ये बात अपने जहन च बिठा लो तेरे ते मेरे महबूब पैगंबर दा फरमान है तू अपने भरा वास्ते दुआ करेंदा ना दुआ वो दुआ तेरे हक दे अंदर अल्लाह कबूल फरमा लवेगा इन्ना तू अपने बारे दुआ करे ना अल्लाह मैनू फलां दे अल्लाह मैनू फलां इज्जत दे फलां माल दे फलां चीज़ दे दे फरमाया इन्नी जल्दी वो तेरी दुआ कबूल नहीं होंगी जिन्नी जल्दी तू अपने भरा दे बारे दुआ करे तू दिलों के दुआ की कर अल्लाह ये मेरे भरा तू इन्ना माल दिता है इनू होर ज्यादा अदा कर अल्लाहुम्मा जिद फसिद अल्लाह के दुआ की करो फरमाया हर वक्त भरा दे बारे बुरा नहीं सोचना चाहिए ये मेरे अल्लाह दे तकसीमा ने वलौ बसत अल्लाहु रिज़्क लिइबादिही लबगो फिल अर्द अल्लाह फरमाते ने अल्लाहु यबसुतु रिज़्क लिमन यशाउ व यक़दिर किसी नूं बहुता दे देवां किसी नूं थोड़ा देवां ये मेरियां मर्जियां ने भरा इक्को ही माँ प्यो दे जाए हुंदे ने एक अमीर हो जांदा है एक गरीब हो जांदा है ये मेरे अल्लाह दियां तकसीमां ने इन्हां दे बंदे नूं खंदा पेशानी दे नाल दिलों खुश होना चाहिए मेरे अल्लाह रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद नबी रसूला अल्लाह मैं तेरे रब हुण ते राज़ी हाँ मेरे मालका बंदे नहीं दे रहे देन वाला तू ही है तेरी तकसीम ते मैं खुश हाँ तू जिस हाल दे अंदर रखे मैं खुश हाँ मियाँ मोहम्मद बख्श ने फरमाया कि भी तो मैं शेर सुनाया जिन्ना दुखां विच दिल भर रहा सी वो किनू आंदा दिल भर अल्लाह नू ये अल्लाह दे वली जेड़े ने अल्लाह नाल बड़ा प्यार करते हुंदे ने पर असी इन्हें प्यार नू असी उल्ट लै गए असी इन्ना तरह अल्लाह नाल प्यार करने दे बजाय असी इन्ना नाल ही उवें प्यार करने जिवें अल्लाह नाल करना चाहिए मियां मोहम्मद बख्श फरमाते ने जिन्ना दुखां विच दिल भर रासी ते सुखियों ना तो वारे ओए जिन्ना दुखां विच दिल भर रासी ते सुखियों ना तो वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शाम ते राजी रहन प्यारे बंदा कवे रसी तो बिल्ला अल्लाह मैं राजी हाँ जिमें तू रखना चाहना है मेरी मजाल की है कि मैं उन उस जिंदगी ते राजी ना होवा मौला जिमें तू राजी तेरा गुलाम उवें ही राजी है तुसी वेख्या नहीं करोड़ा पत्ती रातों रात अल्लाह लखा पत्ती ना कख पत्ती कर छड़दा कखा पत्ती कर छड़दा आ सैलाब आए कईयां दियां जमीनां ते फसलां तबाह हो गए जलजले आए अल्लाह ने दुनिया के शहरां दे नक्शे ही बदल दिते वो जात बड़ी बेनियाज है ते कईयां नूं रब नवाजना चाहे वो मिट्टी नूं भी हथ लांदा है ते सोना बनदा जांदा सोना सोना बंदा अगे अगे दौलत पिछे पिछे
इस वास्ते हर वक्त सीना साफ रखना चाहिए। और फरमाया वला इला काते रहिम, रिश्तेदारी तोड़न वाले बंदे दी तरफ भी अल्लाह निगाह करम नहीं फरमा दे। एडा बड़ा मसला है, रिश्तेदारियाँ बड़ी छेती बंदा तोड़ दे। थोड़ा जहा मसला बनया जी तुहाडा साडा जी मरण जीवन खत्म, ये साडा बड़ा जुमला मशहूर है जी। बस जी तुहाडे साड़ियाँ जनाब खुशियाँ गमियाँ खत्म हो गई, तुहाडा साडा मरण जीवन खत्म हो गया। अल्लाह माफ़ फरमाए, दुआ मंगो अल्लाह ए जे जुमलियाँ तो सानू महफूज फरमाए। अल्लाह ए जे बंदे की तरफ नज़रे करम नहीं करता होंदा। और अगे अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐसा मर्द जेड़ा अपनी अपनी चादर ते अपनी शलवार हमेशा टखनिया तो थले रखता है, वाला इला मुसबिलिन, ऐसा शख्स जेड़ा बड़े तकबर दे नाल सलवार थले छड़ के गिटियां तो थले छड़ के ते जेड़े गिटियां तो उत्ते रखते हैं सलवार उन्होंने मजाक करता है, कहिंदा सुथन छोटी आई कपड़ा घट गया सी, उन्होंने फिर मजाक करता। अल्लाह दे नबी दी सुन्नत चलन वाले मजाक ते नाल तकबर करता है, शलवार इन्हें इन्नी लंबी सवानी होंगे दो शलवार सी जाए, अल्लाह दे गज़ब नूं भी दावत देनी। और इस तरह मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया वला इला आकिली वाली दई ही, और ऐसा बदबख्त ओदी तरफ भी अल्लाह रहमत दी नज़र नहीं करता जेड़ा अपने माँ बाप का ना फरमान है। माँ बाप जिंदे ते नाराज़ है उंदे ते रब नाराज़ है। मेरे भाइयों अल्लाह को दुआ है जो मैं बयान किया अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूलो मंजूर फरमाए, तुहाडा सुनना मेरा सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। वाखिर दावना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।